नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा और महाराष्ट्र समेत पूरे देश की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और हरियाणा में एक बार फिर से मनोहर सरकार की वापसी हो रही है। और लगातार जो एग्जिट पोल इंडिया न्यूज दिखा रहा है उसमें करीब 70 से 85 सीटें हरियाणा में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अगर बात करें तो वहां पर भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। तो आज एक तरफ जहां महाराष्ट्र और हरियाणा में लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं उस चुनाव को लेकर भी जनता ने अपनी अपनी विधानसभा में जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए पोलिंग स्टेशन जाकर ईवीएम का बटन दबाया। राजस्थान में भी दो सीटों मंडावा और खींवसर में वोटिंग हुई और इन दोनों सीटों पर इलाके की जनता ने जमकर वोटिंग की है। दो राज्यों की जनता यहां 24 तारीख को नतीजों का इंतजार करेगी, तो वहीं इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव पर भी न केवल यहां के लोगों की निगाह रहेगी बल्कि सूबे के दोनों मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों सीटें उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गई हैं। इन दोनों सीटों को जीतने के लिए दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने जमकर प्रचार प्रसार किया और प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता बचा हो जिसने यहां पर आकर लोगों से उनकी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील ना की हो। तो बीजेपी ने जहां खींवसर सीट के लिए आरएलपी के साथ गठबंधन करके नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने पुराना दांव खेलते हुए दिग्गज मिर्दा परिवार से हरेंद्र मिर्दा को चुनाव में टिकट दिया। वहीं कुछ ऐसा ही मंडावा में भी देखने को मिला जहां पर कांग्रेस के टिकट पर कद्दावर नेता रामनारायण चौधरी के बेटे हरेंद्र मिर्दा मैदान में उतरे, तो वहीं बीजेपी की ओर से रीटा चौधरी वहां पर मैदान में उतरी, तो वहीं सुशीला सिंगड़ा बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतरी हैं। ऐसे में अब राजनीतिक पंडितों की माने तो एक तरफ जहां इस सीट से बीजेपी अपने सूबे की राजनीति को ये कहकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी कि आने वाले वक्त में जनता ठीक वैसे ही समर्थन करेगी जैसा उसको लोकसभा के चुनावों के दौरान मिला था, अब इसके साथ ही उसके आरएलपी के साथ गठबंधन के आगे की राह भी तय होगी। तो वही कांग्रेस के लिए जीत सीएम गहलोत के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देने का काम करेगी और राज्य सरकार का इस बात पर मजबूती होगी कि उसको विकास के दम पर जनता का साथ मिला और आगे भी वो इसी एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो आज की हमारी बड़ी बहस में हम इन दोनों सीटों को लेकर आगे की राजनीति पर भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में ये दोनों सीटें बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति के आगे का रोडमैप तैयार करेंगी। तो कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर पॉजिटिव बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है अपनी जीत को लेकर कांग्रेस की ओर से, सुनाते हैं आपको। जोश है लोगों में, जो कम लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जो कम जान पाए कांग्रेस की उसके प्रति लोगों का बहुत बहुत ही भारी रुझान है। जब से खींवसर विधानसभा क्षेत्र बना है, जब से पहली बार लड़ रहा हूँ, जब मैं नागौर से एमएलए था तो नागौर विधानसभा क्षेत्र पूरा खींवसर बेल्ट था, तो मेरे लिए अनजान जगह नहीं है और यहाँ पहले भी बहुत काम किए कांग्रेस सरकार ने और लोगों को पूरा भरोसा है कांग्रेस के ऊपर। तो मुद्दे तो हर पंचायत के हर गांव के अलग अलग होते हैं, उससे एक मोटे तौर पे मुद्दे बिजली पानी इस सब्जेक्ट को होता ही है, तो यहाँ भी मेन मुद्दा बिजली का या पानी का या मनानी सेक्टर उसका है, पर ऐसे मुद्दे हैं कि हम लोग बैठ के आपस में करेंगे ना। गांव में तो हर पंचायत का मुद्दा अलग है, कहीं शिक्षा है, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं बिजली है, कहीं माइनिंग है, एक दो मुद्दे तो किसी क्षेत्र हो नहीं सकता, अलग अलग एरिया है, पर यहाँ माइनिंग का बिजली का मेन मुद्दा है, तो इनको जो भी समस्या है उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने सुना हरेंद्र मिर्दा को किस तरीके से अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से वो आश्वस्त हैं और इस चुनाव को लेकर बीजेपी आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार नारायण बेनीवाल ने क्या कुछ कहा अपनी जीत को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। सूचना एक जो अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं उन वाहनों को भी रोका जा रहा है और इन्होंने जो टारगेट है कई क्षेत्र विशेष को इन्होंने टारगेट कर रखा है, जहां इनकी पॉलिसी रही है कि भाई यहाँ वोट प्रतिशत कम होना चाहिए। उम्मीद अच्छी है, इस जनता का प्यार प्रेम आशीर्वाद सदा हमारे परिवार पर रहा है और निश्चित रूप से इस बार भी सफल हम ही होंगे। गांव तो पैतृक के लिए रहते नहीं ना, मीडिया के माध्यम से इन्होंने बताया था मेरे दादी जी यहाँ रहते थे, ये तो यहाँ रहते नहीं, पैतृक कैसा हो, इनसे ज्यादा तो हमारा गांव हो गया है जो हम 30 दिन 29 दिन यहाँ आते जाते हैं। बूथ पर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ? अभी व्यवस्थाएं बूथ पर ठीक है, ऐसा कोई अभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, एक आध जगह कुछ जो मतदान अभिकर्ताओं को लेके और कुछ कई पीओ वगैरह है जो साइज मेरे हिसाब से सरकार के इशारे पे भी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई का सरकार को बताएं, तो निर्वाचन आयोग गांव तो
तो आपने सुना नारायण बेनीवाल ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस की ओर से हनन मिर्दा ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया और साथ ही ये भी कहा कि नारायण बेनीवाल हार के डर से बौखलाए हुए हैं। खैर, बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, एक नजर उन सवालों पर भी डालते हैं कि आखिर उपचुनाव के रण में कौन मारेगा बाजी। ये सवाल नंबर एक, जो पर उपचुनाव हुआ है मंडावा विधानसभा में, जनता किसका मान बढ़ाएगी, क्योंकि यहां पर दो महिला प्रत्याशी दोनों की ओर से चुनावी मैदान में उतरी हैं। क्या खींवसर की जीत हार तय होगी बीजेपी आरएलपी गठबंधन का भविष्य, और ऐसे में क्या सूबे में कांग्रेस को इस जीत से बीजेपी पर बड़ी बढ़त मिलेगी, यह भी अपने आप पे अहम सवाल। तो उपचुनावों के रण में कौन बाजी मारेगा, इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मंडावा की बात करूं तो यहां पर सुशीला सिंगड़ा और रीटा चौधरी के बीच टक्कर हुई है, खींवसर में नारायण बेनीवाल और हरेंद्र मिर्धा। अब ऐसे में देखना होगा 24 तारीख को जब नतीजे घोषित होंगे कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन मंडावा की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादातर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा, कांग्रेस पार्टी के राम नारायण चौधरी इस सीट पर ज्यादातर विधायक बने रहे, और ऐसे में इस सीट पर इस बार क्या कुछ होता है, चूंकि रीटा चौधरी मैदान में उतरी है, सुशीला सिंगड़ा उनके सामने जो एक दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुई और बीजेपी ने उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया, ये दो सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच कड़ी से कड़ी टक्कर देखी जा रही है। इन दोनों ही सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, फिलहाल अब 24 तारीख को नतीजे तो ये सवाल इनके इर्द गिर्द आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं पंकज जोशी। पंकज जोशी जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में मेरे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही कांग्रेस से विचारक मेरे साथ वरुण पुरोहित। वरुण पुरोहित जी, आपका भी स्वागत है। वरुण जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। सर, सरकार आपके सूबे के अंदर किस तरीके से देख रहे हैं आज के इन दोनों सीटों पर उपचुनाव को? देखिए, दोनों उपचुनाव में सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद है, उन्होंने लोकतंत्र में आगे बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। हालांकि परसेंटेज ऑफ वोट्स और ज्यादा होती तो बेहतर होता, लेकिन 6 महीने कांग्रेस को अभी सरकार बनाए हुए हैं उसको देखते हुए, और स्थानीय जो नेता हैं आपस में, जैसे रीटा चौधरी बहुत ज्यादा मिलनसार रही है, बहुत ज्यादा उनका पब्लिक से कॉन्टेक्ट रहा है, उनके पिताजी का भी बहुत अच्छी छवि थी, यही वहां पे नागौर में भी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल और वो हरेंद्र जी दोनों ही परिवार वहां पर अच्छी राजनीति किए हुए हैं। तो देखना होगा जनता किसके पक्ष में गई है। मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कांग्रेस को 6 महीने ही हुए हैं, अभी कोई नेगेटिव रिजल्ट तो गांव के हिसाब से आया नहीं है, पानी बिजली की समस्या कोई क्रिएट हुई नहीं है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस बढ़त बनाएगी और 24 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में ही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, पंकज जोशी जी, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका मैं कमेंट चाहूंगा इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर। देखिए पराजय में कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके के चुनाव हुए हैं और जिस तरीके के प्रदेश में जो है ये कह रहे 6 महीने, मैं कह रहा हूं जो भी 7-8 महीने की सरकार है उस सरकार का जो भविष्य है वो दिखने लगा है। जैसे कहते हैं ना, पूत के पर पावले में दिखाई देता है, ऐसे ही आपने देखा तो उसके जस्ट जो है बाद में एमपी के चुनाव में, मेरे ख्याल में स्वतंत्रता के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब जिस पर जिसकी सरकार है उसकी सरकार के जो है वहां पर एक भी सीट लोकसभा की नहीं जीती मुझे, और जो हालात सरकार के हैं उस हिसाब से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां भारी बहुमत से जो है चुनाव दोनों से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी गठबंधन जो है आरएलपी दोनों ही चुनाव जीतेंगे, और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कांग्रेस में डर और भय का माहौल है, खुद जो है चुनाव का ही नहीं, आप चाहे निकाय चुनाव की जो परिभाषा देख रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा डर है कि हम किस तरीके से जो है उनको परिवर्तन करके हम चुनाव लड़ा जाए। लेकिन क्योंकि ये जो चुनाव है ये केंद्रीय चुनाव आयोग के मामले में रहता है और सेंट्रल चुनाव जो है निर्वाचन आयोग है वो देखता है, इसलिए यहां चलती नहीं राजस्थान स्टेट की, इसलिए यहां पर भी जो है हालात यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें जो है जीतेंगे, और जिस तरीके का वहां पर कांग्रेस का जो हालात बनी हुई है, न केवल वहां पर जनता की चिंता नहीं है बल्कि स्वयं के
परिवार और स्वयं की चिंता है, इस कारण से आप लगातार देख रहे हैं। मुझे लगता है जनता इस चीज को समझ चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और वहां की जो सहयोगी है आरएलपी गठबंधन, उसके प्रत्याशी को चुनाव जीत करके जो है यहाँ पर जो है बताएगी कांग्रेस को कि आपका शासन जो है जनता से मोहभंग हो चुका है, आपके शासन से जनता का मोहभंग हो चुका है। ठीक है पंकज जी, मंडावे की अगर मैं बात करूं तो रामराना चौधरी का यहां पर दबदबा रहा, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की ओर से ही वो विधायक रहे, तो क्या आपको लग रहा है कि रीटा चौधरी टक्कर दे पाएंगे सुशीला सिंगड़ा को इस सीट पर? देखिए मैंने कहा ना आपको कि देखिए चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है जीतेगी वहां पर, और रामनारायण चौधरी जी का इलाका होने के बावजूद भी वहां लगातार चुनाव जीतने के बाद भी आपने पिछले बार लोकसभा में देखा कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगभग बढ़त बनाई, उससे पहले यदि चुनाव हुए तो उसमें भी जो है चुनाव जीते, चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता विधानसभा चुनाव में भी, और यहां भी अब भी मैं कह रहा हूं कि आप जो है कांग्रेस की नीतियों से, ये नहीं है कि रामनारायण जी चौधरी का वहां पर अस्तित्व खत्म हुआ, यानी मैं इसके पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जो नीतियां कांग्रेस की है उन नीतियों के विरुद्ध में जो है वोट पड़ेंगे, और जनता ये जानती है कि कांग्रेस जिस तरीके का शासन है, जिस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि जो है जनता वहां पर जो है उनके पक्ष में वोट करेगी। ठीक है ठीक है। अगर वरुण जी खींवसर की अगर हम बात करें, खींवसर में देखें तो किस तरीके से यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि खींवसर सीट की मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के उस पर आऊंगा तो खींवसर को लेकर हम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान में भी आज दो सीटों पर उपचुनाव हुए, मंडावा और खींवसर। वरुण जी मंडावा की हम बात कर रहे थे, अगर खींवसर का मैं जिक्र करूं तो ये सीट पहले आरएलपी के पास रही थी, और ऐसे में आरएलपी और बीजेपी एक साथ मिलकर संयुक्त उम्मीदवार नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा, जो हनुमान बेनीवाल के भाई हैं। तो क्या ऐसे में आपको लग रहा है जनता कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा कर पाएगी, क्योंकि आरएलपी अगर बीजेपी के साथ आ गई और वहां पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में कहीं है नहीं, आरएलपी है और कांग्रेस से इम्पोर्टेड आदमी है, कांग्रेस का ही आदमी और चुनाव लड़ रहे हैं मंडावा में। रही बात हनुमान बेनीवाल के फादर का भी बैकग्राउंड है, हनुमान का नहीं, हनुमान के पिताजी भी वहां से रह चुके हैं, और परिसीमन के बाद जो है सारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो आधा हिस्सा जैसे नागौर में जो जितना नया परिसीमन हुआ उसके बाद से जो ओरिजिनल सीट हनुमान बेनीवाल और उनके पिताजी की रही उसमें बदलाव आया है। हनुमान खुद अपने आप में एक नेता है जिसने खुद ने चुनाव जीते, अब भाई को कितना वो पब्लिक सपोर्ट करेगी ये मैं कह नहीं सकता। हरेंद्र मिर्धा तो खुद चुनावी राजनीति में रहे, खुद चुनाव लड़े हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके पिताजी के बाद उन्होंने संभाला, ऐसे तो उनका लड़के भी काम करते हैं घर में और परिवार वाले भी राजनीति से जुड़े, लेकिन एक हरेंद्र मिर्धा नाम है ऐसे जैसे हनुमान बेनीवाल नाम है। अब हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उनका ब्रदर लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं लोग वोटर या फिर हरेंद्र मिर्धा को देखते हैं, देखने वाली बात है। रही बात मंडावा की, तो मंडावा में जो है रीटा चौधरी, मैंने आपको पहले भी कहा बहुत अच्छा कार्य करती आ रही है, अभी कुछ ही वोटों से हारी थी पिछले चुनाव में, उनके पिताजी का बहुत अच्छा नाम था, इसलिए वो तो मेरे हिसाब से वन साइड ही जीत जानी चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो वो कुछ है नहीं वहां पर, अभी दोनों खाली हनुमान बेनीवाल और उससे लड़ रहे। दूसरा आप ये देखो इस चुनाव से जो परिणाम आएंगे उससे राजनीति परसेप्शन रोज चेंज होता है, क्षणिक होती है राजनीति। वसुंधरा जी का क्या रोल रहता है, अगर हनुमान बेनीवाल का ब्रदर जीतते हैं तो वसुंधरा जी की कितनी अहमियत रह पाएगी पार्टी के अंदर? सतीश पुनिया को तो भी मैं तो नहीं मानता, लोग कह रहे हैं, ये लोग भी आप लोग भी कह रहे हो कि उसकी उनपे असर पड़ेगा, सतीश पुनिया को तो भी टाइम ही बहुत कम हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता हूँ कि बीजेपी भी नहीं डायरेक्ट लड़ रही तो उनपे कोई विशेष फर्क पड़ेगा, और कांग्रेस की भी ऑलरेडी सरकार है और दोनों सीटें कांग्रेस की थी नहीं, इसलिए मैं नहीं समझता कांग्रेस पे भी ज्यादा असर होगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि 6 महीने का 7 महीने का जो भी कार्यकाल कांग्रेस को हुआ है रोज एक न एक जनता के हित में फैसले लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन आने में टाइम लगता है, पब्लिक ये समझती है, इसलिए दोनों सीटों पर जो है मुझे आशा है 24 को कांग्रेस की जीत होगी। ठीक है पंकज जोशी जी, आप हंस रहे थे जब वसुंधरा राजे का जिक्र किया वरुण जी ने। बिल्कुल देखिए पराग जी, मैं कह रहा हूं कि आप जो है अपनी तरफ तो देख नहीं रहे और आईने में दूसरी तरफ देख रहे हैं। आज आप देखिए, आज ही जो है सचिन पायलट साहब ने, जो इनके मुखिया हैं, और विवेक बंसल साहब ने आज ही जाकर के ये कहा है कि सरकार के जो लोग हैं, सरकार बीजेपी की तो है नहीं, कि सरकार के बहुत सारे नेता जो है काम चोर के रूप में वहां नहीं गए, जिनको वहां दायित्व दिया गया था वो नहीं गए, इसकी शिकायत जो है आला कमान तक लेकर के गए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज इतना सरकार होने के बाद आपने अपनी जो है पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद भी आज जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मुखिया उनको जो है शिकायत लेकर के मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप नारायण बेनीवाल भी लगाते हुए नजर आए मीडिया से। उन्होंने बातचीत की आज, कहा कि मशीनरी का दुरुपयोग इस्तेमाल हो रहा है। सर किस तरह का दुरुपयोग इस्तेमाल किया गया, क्या आप समझाएंगे इस बात को?
देखिए मैं पराग जी, आप पूरी पूरी यदि देखेंगे तो मैं ही नहीं, पूरी जनता इस चीज को देख रही है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं कांग्रेस के, कि कभी भी अभी चाहे निकाय चुनाव के उसके बात को ले लीजिए, निर्णय को ले लीजिए, चाहे आप यहां पर ले लीजिए, अब सरकार जो टिकी हुई है वो खाली जो है मशीनरी पर टिकी हुई है। हाँ। और मशीनरी पे जो है आज आप पूरा देखें तो यदि आप खीवसर का चुनाव देखेंगे तो वहां पर जो है आप जिस तरीके से जो है वहां पर चाहे एडवर्टाइजमेंट के जो है उसके फाड़ने हो, चाहे उनके हटाने हो, चाहे ये हो, पूरी तरीके से उन्होंने है कोशिश की है कि किसी भी रूप में जो प्रचार नहीं कर पाए, किसी भी रूप में जो जांच है, लेकिन हमने कहा कि जनता सब चीज देख रही है और वहां जितनी भी मशीनरी का दुरुपयोग होगा, जितना भी आप यदि शक्ति करेंगे, निश्चित रूप से जनता उसका जो है रिएक्ट देगी और जनता जो है उस चुनाव को जीतेगी। आप मशीनरी से चुनाव नहीं जीत सकते, जनता का मन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और हम जो है चुनाव जीतेंगे। पंकज जी, क्या बीजेपी भी कांग्रेस का फॉर्मूला अपना रही है? जैसे पहले चुनावों में आरोप लगते रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी और भी विपक्षी दल, ऐसा करते रहे हैं? नहीं नहीं, हम नहीं, देखिए ये लोग लगाते रहे, हमने कभी नहीं कहा, हमने ना तो देखिए ये लोग जरूर है कि इनको जहां जीत मिली वहां ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन जहां जीत नहीं मिली वहां ईवीएम पे उठा दिया। और तो छोड़िए, आप तो किस पे प्रश्न नहीं उठाया, इन्होंने कोर्ट से लेकर के हर एक व्यक्ति पर, चुनाव आयोग भी कह रहे हैं कि हार का डर है, हनुमान नारायण बेनीवाल को इसलिए बौखलाए हुए हैं, बौखलाकर ऐसे बयान दे रहे हैं। नहीं, बयान देखिए, आप बहुत देखे थे, आपने अपने स्टूडियो पे देखा तो उन्होंने बहुत साम्य तरीके से कहा कि हाँ। यदि इस तरीके के वाहन जो है उनके रोके गए, इस तरीके के गए, लेकिन फिर भी हम जो है इस चीज से आश्वस्त है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहीं उस चीज का नहीं किया, ना कि विरोध किया, लेकिन हाँ चुनाव आयोग को इस बात की उन्होंने जानकारी दी कि जहां जहां शिकायतें थी वहां की शिकायतें जो है हमने चुनाव आयोग को की और उसकी चीज को जो है हमने वहां पर दिखाया, तो ये बात बहुत क्लियर थी। हम इस चीज से घबराए हुए नहीं है, घबराई हुई तो सरकार है, आपने खुद ने देखा कि सरकार जिस तरीके से जो है पूरी बीएसपी पार्टी को तोड़ करके अपने पास ले गई, कहीं ना कहीं जो डर है वो बीजेपी से ज्यादा स्वयं के आंतरिक जो है डर बहुत ज्यादा है कांग्रेस को, ये भी बड़ी परेशानी है वहां पर। ठीक है वरुण जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पंकज जी आपसे एक सवाल और है मेरा, क्या जिस तरीके से अभी वरुण जी जिक्र कर रहे थे सतीश पुनिया की साख पर कोई असर पड़ेगा अगर पक्ष में आपके फैसले नहीं आते हैं तो? देखिए मैं कह रहा हूँ सतीश जी के साख पर नहीं, सतीश पक्ष में आएंगे और इस चीज को भी आएंगे। सतीश जी जो है आप ये देखेंगे तो बहुत अपने बाल्यकाल से जो है पार्टी से जो है जिस तरीके का काम किया है, जिस तरीके का वो किया है, मैं कह रहा हूँ उसकी छवि में कहीं कोई वो नहीं है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ आपको कि सतीश जी की जो है साख पर जो है इसका जो है प्रभाव जो है असरदार पड़ेगा और निश्चित रूप से दोनों सीटें हम जीतेंगे उनके नेतृत्व के अंदर। और ये जो मेरे ख्याल में है कि नए नए जो हमारे अध्यक्ष बने हैं उनको जो है बनने का जो है ये हमारा जो है उपहार होगा, जनता इसको उपहार के रूप में देगी। तो क्या अब ये समझा जाए कि राजस्थान में बीजेपी बगैर वसुंधरा की राजनीति करने की राह पर चल पड़ी है? नहीं देखिए पराग जी, ये कोई मीनिंग नहीं है कि इस चीज का कि जब बिना वसुंधरा जी के आए, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो कमान है, चाहे कोई भी हो, जिसको भी हाथ में दी गई है, नहीं, देखिए दो, मैं आपको चीज कह रहा हूँ, आपको दो चीजें देखिए, इससे पहले जो है वसुंधरा जी जो है अध्यक्ष नहीं थी, इससे पहले माननीय मदन लाल जी हमारे जो है अध्यक्ष थे और मदन लाल जी के अध्यक्ष काल में हमने चुनाव जो है पूरे के पूरी 25 की 25 सीटें जीती, तो ये कोई वो चीज नहीं है कि उनके उसमें है या ये है। देखिए लगातार जो है, और उपचुनाव के मामले थे, उपचुनाव में कोई जरूरी नहीं है कि बड़े से बड़े नेता यहाँ पर आए, लेकिन वो जो है वसुंधरा जी जो है अपने उसमें जो है बाहर के चुनाव में भी गई और बाहर भी जो है उन्होंने प्रचार किया, ये दो उपचुनाव थे, उपचुनाव में जो है हमारे जो लोकल नेता थे वो लगातार जो है इसके अंदर जो है सम्मिलित थे। ठीक है वरुण जी, क्या ये चलन चल पड़ा है कि जिस राज्य में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसी के ऊपर आरोप पड़ दिया जाए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का? ऐसा चलन नहीं है कि वो निर्वाचन आयोग की, अपन इंडिपेंडेंट होता है निर्वाचन आयोग, उसकी किसी चीज पे पर शंका नहीं कर सकते निर्वाचन आयोग। हाँ। अगर ऐसा होता तो 70 साल से डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में चलती नहीं। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है निर्वाचन आयोग के ऊपर, नहीं मेरी बात सुनिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया होगा तो उसका आपका ज्ञापन दिया होगा निर्वाचन आयोग को, इन्होंने दिया कि आज कौन से पोलिंग बूथ पे कब्जा हुआ है, कोई गड़बड़ हुई? नारायण तो खुद ही कह रहे हैं कहीं भी नहीं सर, इससे पहले भी सवाल उठे ना, क्या सर विपक्ष ने इससे पहले सवाल नहीं उठाए? क्या इससे पहले विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया चुनाव आयोग के ऊपर? सवाल उठाना विपक्ष का काम है, सवाल उठाना डेमोक्रेसी है। आज ये पंकज जी सवाल उठा रहे हैं तो इनका एक फर्ज बनता है कि विपक्ष में इनको उठाना चाहिए सवाल, जब भी तो डेमोक्रेसी टाइट रहेगा तभी सही रहेगा। ठीक है पंकज जी कुछ कहना चाहिए बात अगर चुनाव आयोग के ऊपर जी। ठीक है वरुण जी आप अपनी बात पूरी करें, पंकज जी आ रहा हूँ, एक बार वरुण जी को सुन लेते हैं, वरुण जी अपनी बात पूरी करें पहले। मैं कह रहा हूँ निर्वाचन आयोग को कोई ज्ञापन इन्होंने नहीं दिया है, खाली ऐसे चुनाव में
एक मीडिया के ऊपर आ गए, माइक पर आरोप लगा दिया, तो नारायण ने भी कोई फोर्सफुल आरोप नहीं लगाया है। आप उनकी बात सुनो, नारायण की भी उन्होंने कहा कि बाहर के नेता कोई आ रहे थे उनकी कारों से आ रहे थे रोकना, तो पुलिस का सबका काम है साहब। कहीं यूपी में चुनाव हुए जब भी हम लोग नहीं वहां टिक पाए, 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले गए थे, बाहर के लोग छोड़ जाओ, ये तो निर्वाचन आयोग का सारा सिस्टम होता है। कहीं भी आपको कहीं हिंसा फसाद कोई बूथ कैप्चरिंग ऐसा कोई सुनाई पड़ा गया, गवर्नमेंट मशीनरी तो इनके टाइम भी वही थी, इसका मतलब अधिकारी बदल गए क्या, सरकार बदलती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है पंकज जी, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं देखिए पराग जी, दो चीजें हैं। देखिए, एक शिकायत करना, जो मशीन थी उसकी शिकायत करना, और जो है चुनाव आयोग के ऊपर जो है विश्वास करना, और एक ही होता है कि चुनाव आयोग पे जो है चुनाव आयोग पे ही विश्वास नहीं करना और चुनाव आयुक्त को दोषी ठहरा देना, दोनों में फर्क है। हमने कहा कि वहां जो है चुनाव आयोग की हमने शिकायत नहीं करी, ना चुनाव आयोग की शिकायत करी, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग को भी जो है उठाती रही और चुनाव आयोग पे भी जो है प्रश्न उठाती रही और ईवीएम पे भी प्रश्न उठाती रही, हमने कहीं प्रश्न नहीं उठाया। हमने कहा कि सरकारी मशीनरी जो है वहां दुरुपयोग करिए, उसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग को दी है। हमें चुनाव आयोग पे पूरा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से जो कार्य करेगा वो बिल्कुल ठीक करेगा। हम उस पर कहीं कोई प्रश्न नहीं उठाया, ना ही हमारे किसी नेता ने, ना ही कहीं वहां के जो है कैंडिडेट ने कोई प्रश्न जो नहीं उठाया, तो इसलिए हमें इस चीज की नहीं है। लेकिन आप तो चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा चुके हो, लगातार उठाते आते हो और हर एक जगह उठाते हो। हमने कहा कि ये जो चीजें हैं इनकी हमने उनको दी है शिकायत और वो इसकी जांच करेंगे, और वो जांच में दोषी पाए गए तो पता चलेगा कि हाँ ऐसा है, तो इसकी शिकायत हमने जरूर करी है कि वहां पर जो है रोका जा रहा है मतदान को, जो है उस पर जो है प्रभावित किया जा रहा है, तो उसकी शिकायत हमने जो है चुनाव आयोग को की है, वहां के जो अफसर आए उनको की है, इसमें कहीं वो नहीं है। लेकिन हमने उनके ऊपर अविश्वास किया हो ऐसी बात कहीं नहीं कही। कि हरिन मिर्धा भारी पड़ सकते हैं नारायण बेनीवाल के ऊपर, चूंकि उनके भाई की तरफ हम देखें, पिता के ऊपर देखें तो अच्छा खासा उनका राजनीतिक करियर रहा और अच्छा खासा उनका दबदबा भी रहा है, और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हरिन मिर्धा कड़ी टक्कर देंगे खींवसर में नारायण बेनीवाल को? पंकज जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी सर, ठीक सर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप देखिए कि पूरे चुनाव के अंदर जितने भी थे सरकार पूरी थी, और आपने देखा तो सारे के सारे लोग जो है लगे हुए थे। आपने जो है अभी 4 महीने पहले जो है लोकसभा के चुनाव हुए, 200 सीटों में से 185 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। तो मैं कह रहा हूं कि इनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रभाव जो है आप चाहेंगे परिवारवाद का प्रभाव पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। आपकी नीतियों का प्रभाव पड़ेगा कि सरकार जिस तरीके की नीतियां हैं, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरीके से राजधानी की सिचुएशन है, जिस तरीके से आए दिन जिस तरीके हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और उसके अंदर जो है आप खुद जो है खुद कह रहे हैं है ना कि जो है एक पूरा का पूरा जो गृह मंत्रालय वो खुद सीएम संभाले हुए हैं, और आपसी आंतरिक लड़ाई जो है इस हद तक है जिसका जो है आपने स्वयं ने अभी जो है नमूना देखा कि किस तरीके से जो है निकाय में लोकतंत्र पे जो है प्रश्न जो है उनके खुद के कैबिनेट मंत्रियों ने, यहां तक कि जो है यहां के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उठाए। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है केवल और केवल जो है चुनाव को जो है बना के कोशिश करना चाहती है, लेकिन वो चीज नहीं होगी, जनता इस चीज को देख रही है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि किसी चीज का इफेक्ट नहीं होगा आपकी नीति। पंकज जी, क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के मुद्दों को भूलकर, राष्ट्रीय मुद्दों को भूलकर इस बार जनता विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए उसने वोट किया होगा, और साथ ही कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, इसका फायदा क्या हरिन मिर्धा को मिल सकता है? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता देखिए कि इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने ये जरूर करी है कि अपने कोशिश की है कि उनका जो है मशीनरी का दुरुपयोग करने का, लेकिन आपको बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से प्रदेश के अंदर जो है हालात जो है बहुत बदतर हो गए हैं, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे पानी को सहेजने की बात हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अभी तक सरकार जो है अपने सारे कार्यों में जो है जीरो रही है। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कोई बड़ा कार्य सरकार ने कर दिया जिसके अंदर जो है कि लगे कि हाँ ये काम अच्छा किया है। सरकार लगातार आप देखिए अपने फैसले स्वयं के फैसलों को लगातार बदल, ऐसी क्या आवश्यकता थी निकाय चुनाव में सबसे पहले आकर के सबसे पहले मंत्रालय में आपने कहा कि हम जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराएंगे, उसके बाद आप कहते हैं हम कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि पहले बिना कार्यकर्ताओं की सुनी थी कि आपने? तो ये जो हालात हैं कांग्रेस जो है अंदर से, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि कांग्रेस अंदर से बहुत डरी हुई है अपने चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए, और स्वयं कांग्रेस से ज्यादा अपना स्वयं का जो अस्तित्व बचाने के लिए जो है मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, और इसी चीज को लेकर के आज जो है खुद जो है सचिन पायलट जी ने और
विवेक बंसल जी ने जाकर के आला कमान को इस बात की बात कही है कि वहां पर जो बड़े नेता है वो नहीं पहुंचे और जो है पार्टी को जो है उन्होंने नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है वरुण जी, अभी बात कर रहे थे पंकज जी कांग्रेस सरकार के कामों की, उन्होंने कहा कि कुछ भी पार्टी ने नहीं किया जब से सरकार बनी है कांग्रेस की। अगर मैं आपसे पूछूंगा सर तो आप कहेंगे कि 6 महीने हुए अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या इस बात को सच माना जाए कि अभी कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं किया? सरकार एक पोर्टल जारी किया है, उस पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी। आप देखिए जो फ्री दवाई की योजना थी कांग्रेस लाई, आज उसको बढ़ा रही है। अभी 6 महीने में आप कह रहे हो सब कुछ जादू की छड़ी करते, ऐसा नहीं है। हाँ। और कर्जे भी माफ हो रहे हैं, सब चीज हो रही है। आप देखिए रोज कल ईडब्ल्यूएस में से वो बाध्यता हटा दी इन्होंने, रिजर्वेशन में से, रोज कोई ना कोई बढ़िया फैसला ले रहे हैं जनता के हित में, उसका इम्प्लीमेंटेशन में एक दिन में तो होता नहीं है, 2-3-4 महीने लगते हैं उसको। आप खुद देखिएगा कितना बढ़िया सरकार ने डिसीजंस लिए 6 महीने में। रही बात अभी आपने पंकज जी की बात सुनी होगी, आप देखो खुद की पार्टी की कोई बात नहीं करते ये लोग। हाँ। कांग्रेस के आला कमान की, सोनिया गांधी राहुल गांधी की बात करते हैं, इनके आपने वसुंधरा जी के स्टेटमेंट नहीं पढ़े, पूनिया जी के स्टेटमेंट नहीं पढ़े, इनके खुद की पार्टी में आप देखो इनके पास इस समय स्टेट लेवल पे क्राइसिस है लीडरशिप का। वसुंधरा जी को माइनस करके हंसने से क्या होगा, आपका लीडर ही नहीं है कोई। अभी तो कच्ची घोड़ी आपने बनाया अध्यक्ष, उससे थोड़ी कोई स्टेट लेवल लीडरशिप हो जाएगी। यहाँ पे सचिन पायलट अशोक गहलोत जैसे ब्रांड नेम है, ये भूल गए अडवाणी जी को, अपने बड़ों को, अपने फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं हम आज भी नहीं भूले हैं। हम ये कहते हैं आप नाम जपते, हम तो जपते साहब हमारे जो भी होंगे पूर्वज, ये अडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं ले रहे 6 महीने से एक बार भी। आप बताइए 200-200 पहुंचाने वाले तो अडवाणी जी थे, क्यों नहीं लेते नाम? मोदी जपने लग गए, अगर हम सोनिया गांधी राहुल गांधी जपते हैं तो क्या बुराई है, तो खाली मोदी का ही नाम जप रहे। ठीक है पंकज, अगर आप बीजेपी कांग्रेस से उठ के बात करेंगे, पराग जी हमने कहा राहुल गांधी कब तक चिल्लाए, आपने लगातार जयपुर से लेकर के लगातार जो है मैं कह रहा हूँ 2013 से चिल्लाए, 14 में आपने देखा, 14 से लेकर के आज तक आने के बाद आपने किया क्या कि वापस से वही जो है उनको अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाने के बाद आपने जो है स्वयं ने हट करके बाजी छोड़ करके पाला छोड़ करके, हमने तो नहीं कहा कि आप नहीं आपके वापस वही आ गए पुरानी पर, दो ही जो है दोनों जगह से अध्यक्ष नहीं है, हमारा ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं की जिसको आप लगाओगे ऐसा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप देखिए कह रहा कच्ची कोड़ी है, मैं कह रहा हूँ आप सतीश पूनिया जी का और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है उन दोनों का कैरियर को जो है कभी मिला के देख लीजिए, मुझे पता आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने जो है पानी के अंदर है। मैं सतीश पूनिया जी का यदि आप कैरियर देखेंगे तो कच्ची कोड़ी आप अपने लिए मानते होंगे कि कच्ची कोड़ी क्या क्या नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है वो बहुत शुरू से लेकर के ऊपर तक है। यहाँ पर ये नहीं है कि एक ही परिवार से लीडरशिप दी जाए कि साहब ये जो है बड़े हमारे बड़े नेता है। हमने कहा कि हमारे यहाँ आपके नहीं परिवारवाद, आप टीवी पे बता दो नहीं है क्या परिवारवाद, कल्याण सिंह जी की नहीं है क्या, राजनाथ सिंह जी नहीं, वसुंधरा जी, विजय जी, अरे परिवारवाद दो दो तीन दिन भी नहीं बने। वरुण जी सुन जाइए, मैं कह रहा हूँ आप तो सुन जाइए भाई, आप तो अपने आप को जो है अंग्रेजों से बनाई हुई कांग्रेस को 150 साल की गिनती करते हैं, हम तो कह रहे कि भाई हम तो 1980 से गिनती कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप 1980 से ही देख लीजिए, 2 सीटों से लेकर के लगातार हम चुनाव लड़ते हैं। आप तो अडवाणी जी को भूल गए, आप तो नाम ही नहीं, पोस्टर पे फोटो नहीं। अरे सर भूलने की छोड़िए, आपने तो 1969 से लेकर के किस किस के साथ किया और नेहरू जी ने क्या किया, पूरी कथा काले लगेंगे ना तो मेरे को लगता है पूरा दिन भी शायद कम पड़ जाएगा। सर देखिए पुरानी बात सर, ज्यादा सर मुद्दे से ना बटके तो ज्यादा बेटर होगा, आज चुनाव को लेकर ही बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी कह रहा हूं कि आज के मुद्दे पे, आज के बिल्कुल आज के मुद्दे पे बात करें, और आज के मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ कि लीडरशिप चाहे केंद्र से हो, चाहे स्टेट से हो, और चाहे मैं कह रहा हूँ कि बूथ से हो, भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है बूथ से लेकर के वहां तक जो है उसकी लीडरशिप में कोई कमी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि इसी कार्यकर्ताओं के बल पर, इसी जो है हमारे नेतृत्व के बल पर जो है दोनों विधानसभा चुनाव हम बहुत बहुमत से जीत करके और वहां रहेंगे। और आप जिस तरीके के एग्जिट पोल जो है पूरे देश में से आ रहे हैं, ये हरियाणा से और महाराष्ट्र से, वैसे ही जो है पॉजिटिव जो है लहर आपको राजस्थान से दिखाई। ठीक है वरुण जी, क्या आपको नहीं लगता लीडरशिप के ऊपर जो लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्या ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा गया जो बीजेपी में देखा गया? देखिए पराग जी, राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं, राजस्थान में आप खुद देख लीजिए वसुंधरा जी के पास, इनके पास कोई स्टेट लेवल का लीडर है क्या? कांग्रेस में तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट आज एक ग्लैमरस लीडर हो रखे हैं राजस्थान में। मैं कांग्रेस का उनकी आइडियोलॉजी को समर्थन करता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, इन्होंने वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया, अब इनके पास स्टेट लेवल पे लीडरशिप ही नहीं है। कटारिया जी भी बुजुर्ग हो रहे हैं, हालांकि उनका अच्छा जिंदगी में काफी अच्छा उन्होंने राजनीतिक करियर उनका रहा है, ये तो खुद नहीं पनपाना चाह रहे लीडरशिप को।
और रही बात कांग्रेस के आपस की लड़ना वड़ना कुछ नहीं था, कांग्रेस का आप इतिहास देख लो, मुख्यमंत्री चाहे हरदेव जोशी रहे हो, कोई भी रहे हो, अशोक गहलोत रहे हो, शिवचंद्र माथुर रहे हो, हमारे यहाँ विरोध नहीं होता, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, सब खिलाफत कर सकते हैं। इनके यहाँ तो अगर खिलाफ बोलते उसको जुर्म मान लेते हैं, क्राइम मान लेते हैं, हमारे तो खिलाफ भी बोल रहे तो भी एक साथ जुटते हैं। आपने देखा कि एकजुटता में कभी सचिन पायलट नहीं गए चुनाव प्रचार में, कि अशोक गहलोत नहीं गए, पूरा जी जान से लड़े हैं दोनों जाकर के चुनाव में। ठीक है पंकज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन कांग्रेस का शुरू से स्वरूप है। ठीक है पंकज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारी किसी के खिलाफत करने को हम ये नहीं समझते कि आपस में झगड़े हैं। अगर आपके विचार पराग जी मुझे नहीं जच रहे हैं तो मैं आपका विरोध दर्ज करूंगा, यही तो लोकतंत्र है। हाँ ठीक है, ये थोड़ी मैं छोड़ के भाग जाऊंगा स्टूडियो, आप टीवी छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशन है कांग्रेस, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है आज भी। देखिए पहली बात तो वरुण जी को एक ध्यान नहीं है कि स्टूडियो को छोड़ करके कौन भागा हुआ है, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है चौथे लोकतंत्र का, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो है मीडिया से कितना टाइम हो गया दूर हुए हुए, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है? प्रदेश के अंदर आप जो है दूर हो गया, सामना नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप। दूसरी लीडरशिप की बात बताता हूँ आपको कि यहाँ के राहुल गांधी जी जब आए, जब अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी ने केवल पूरे लोकसभा में अपने पुत्र के लिए जो है चुनाव प्रचार किया और उसकी हालत आपने देखी, ये तो लीडरशिप है। और आप बात कर रहे हैं आप हमारे लीडरशिप की, आपके इतनी भयंकर लीडरशिप ऐसी थी कि आप अपने पुत्र को नहीं जिता पाए और पुत्र जिताने के लिए फिर आपको जो है और कहीं नहीं मिला तो राजस्थान क्रिकेट अकेडमी मिली, वहां पर आपने जिस तरीके की पूरी पुलिस भी अपने पुत्र के लिए लग रहे हैं वो तो नहीं बोलते अपने बेटे के लिए जिस तरीके से लगा हुआ है पुलिस बिछा करके, वो पूरी जनता ने देखा। तो मैं कह रहा हूँ इस चीज को मत लाएं, ज्यादा नहीं लाएंगे तो ठीक रहेगा। और हालत ये है कि आप तो खुद जो है इस मीडिया से पूरे दूर हुए हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ यदि ऐसा है तो सरकार को आकर के जो है सरकार के जो ऑफिशियल प्रवक्ता को जवाब दे। ठीक है पंकज जी, हाँ हम जो है इसका सम्मान करते हैं। ठीक है पंकज जी, देखिए आंकड़ा मेरे पास सामने आया, 69.62% मतदान हुआ है मंडावा में, और इससे पहले के मैं प्रतिशत की बात करूं तो 73.20% मतदान हुआ था, तो यहां पर तकरीबन 3-4% मतदान कम हुआ है इस बार, तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए जब भी मतदान कम होता है तो लोगों की सरकार के प्रति नाराजगी होती है, सरकार से अभी तक जो है लोगों को जो है संतुष्टि नहीं है, और इसका जो वो है उन आपको जो है वो दिखाई देगा। और मैं कह रहा हूँ कि लोगों में इसी चीज का वो है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो लोगों में निराशा की भावना है, इस कारण से जो है मतदाता जो है बाहर नहीं निकला और ना ही जो है इन्होंने इतनी कोशिश की कि लोग जो है निकल करके बाहर आए। ठीक है वरुण जी, इस पर आप कुछ कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? मतदान कम हुआ इस बार, अगर पिछले हम चुनाव की बात करें तो ज्यादा मतदान हुआ था 3-4%। चुनाव का बता रहे हो या विधानसभा का बता रहे हो? सर विधानसभा की बता रहा हूँ मैं, 2018 का। हाँ तो विधानसभा में उस समय कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर थी और बीजेपी के खिलाफ असंतोष था, इसलिए ज्यादा वोट पड़ा है। 2-3% जो आप अभी बता रहे हो इसका मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं मानता हूँ, क्योंकि दोनों परिवार जो है ना राजनीतिक है परिवार वहां पे, तो जो जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आया होगा उसी से पता लगेगा ये चॉइस को, या आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे इन चीजों को। ठीक है तो पंकज जी क्या माना जाए कि इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, और बीजेपी की अगर प्रत्याशी यहां पर जीत दर्ज करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी क्या कुछ रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी जो है सरकार कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की होने के कारण सरकार से कहेगी कि यहाँ पर विकास हो, बहुत निश्चित रूप से है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे यही हैं कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है लगातार बदतर होती जा रही है, पानी की व्यवस्था बदतर होती जा रही है, बिजली की व्यवस्था बदतर होती जा रही है, लगातार आप जो है बिजली की जो रेटों की बात करते थे हम नहीं बढ़ाएंगे, आप जो है फिर दोबारा कमीशन पे जाके पहुंच गए। दूसरा सबसे पहला काम जिस आप जो है बेसिकली जो है क्लीन एनर्जी की बात करते थे, सबसे पहला काम आपने जो किया वो किया कि आकर के जो 3-5 किलोवाट से और 5-10 किलोवाट की जो सब्सिडी थी आपने कम करी, तो आप कहीं नहीं चाहते कि इन चीजों में हो, तो इसलिए कह रहा हूं कि लगातार जो निर्णय है सरकार को ये सामने देखने पड़ेंगे और इन्हीं कारण से जो है सरकार जो है वहां पर जो है चुनाव हारेगी और सरकार के विपक्ष में वोट पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो है उम्मीदवार जीत करके सरकार को बताएंगे कि आपकी जो नीतियां हैं ये नीतियां ठीक नहीं है। ठीक है वरुण जी, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि अगर कांग्रेस की यहाँ पर जीत होती है, सरकार भी कांग्रेस की है, चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा ही जा रहा है कि सरकार होने का फायदा भी मिलेगा और ऐसे में यहाँ पर जीत भी दर्ज की जाएगी, तो क्या कुछ रहेगा? चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो जनता के काफी सारे विकास के मुद्दे भी हैं, विकास के नाम पर इस बार जनता ने वोट किया है।
मेरी बात सुनिए, अभी पंकज जी ने कहा सबसे पहले हरिशंकर जी भाभड़ा जब वित्त मंत्री थे वो आरएसीबी को डिसॉल्व करके डिस्कॉम बनाने का प्रस्ताव लाए थे, कंपनियां बनाने का, तो वो चीज तो अपने को मतलब नहीं है इस बात से, इनको मैंने बताई ये बात। लेकिन आप ये देखिए पानी बिजली की समस्या बिल्कुल 6 महीने में नहीं आई है। मैं तो गाँव में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी बिजली की, मैं तो खुद खेती बाड़ी करा हुआ हूँ बचपन से, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई पिछले 6 महीने में। पानी बिजली की सबसे ज्यादा समस्या मई जून में आती है, वो भी नहीं आई आपके बिजली की समस्या गांव में। इसलिए आप इस गांव के अंदर पानी बिजली मेन होता है, और नागौर का जो भौगोलिक स्थिति उसमें माइनिंग भी बहुत है, पानी के जो केमिकल्स आते हैं उसकी बड़ी प्रॉब्लम है, वो सब 6 महीने के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम कुछ बड़ी नहीं। सबसे ज्यादा मई जून में पानी बिजली की कमी आती है, वो बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल उसको कमी नहीं आने दी। तो किसान का जो गांव का वोटर है वो डेफिनेटली कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा, नहीं तो हर साल समस्या आती है किसी की भी सरकार हो। आपके पहली बार मैनेजमेंट जो है बिजली का ठीक रहा है। रही बात बिजली की रेटें बढ़ाने का, तो इन्होंने ही प्रस्ताव लाए थे, उसको कांग्रेस फॉलो कर रही है। डिस्कॉम को अभी तो शिकायतें मांगी जा रही है सब कंपनियों में तीनों में। अब वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो तो आपको भी बाद में पता लगेगा, बढ़ेगा तो हम भी विरोध करेंगे, बढ़ेगा तो इसमें क्या बात है, हमारे तो डेमोक्रेसी है। कांग्रेस की चीज नहीं जचेगी तो हम विरोध भी कर सकते हैं, इनके थोड़ी कर सकते हैं ये लोग अपनी सरकार का विरोध, बोल ही नहीं सकते ये लोग तो। ठीक है चलिए सर, अब समय कम है, पंकज जी आखिरी कमेंट में आप दोनों से एक लूं। पंकज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए मैं इतना से कह रहा हूँ कि शायद ये लेकर भारतीय जनता पार्टी लाई थी, इनको शायद याद नहीं है अभी कि ये 2 महीने पहले जो है डिस्कॉम जो है लेकर के जो है टैरिफ रेट के बाद पहुंचा है, और मैं कह रहा हूँ टैरिफ रेट लेके पहुंचा है भी, अभी तो आपत्तियां खत्म ही हुई है, अभी तो आपत्तियां मांगी गई है जो है आयोग ने, आपत्तियां मांगी आयोग ही खत्म हुई है। तो इस चीज को झूठ बोलना बंद करें और ये कहना शुरू करें कि हमारी जो हालात है वो ठीक नहीं है। और लगातार यदि आप देखें तो पहले दिन से, जिस दिन से सरकार बनी है, सबसे पहला जो हमेशा जो कांग्रेस रोती है वो कहती है कि हमारे पास जो है खजाना खाली है, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, इस चीज को जो है लगातार करती हुई आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आदत पुरानी है इनकी, लगातार जो है जब भी सरकार में आएंगे तब तक ये कहते रहेंगे खजाना खाली है, और ये खजाना तो आपने कर दिया, रिजर्व बैंक का पैसा ले गए पहली बार, हमने वो किया, और इस चीज को लेकर के कभी भी आज जिंदगी भारत की हिस्ट्री में नहीं रिजर्व बैंक का पैसा ले लिया। ये तो लोकसभा की बात थी, आप जो है फिर ये 2 उपचुनाव और उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव, आपको आपका असली आईना जो है जनता आपको दिखा देगी। ठीक है वरुण जी आखिरी कमेंट आपका सर जल्दी से। बता रहा हूँ सरकार के कामकाज जो है 6 महीने बहुत अच्छे डिसीजन सरकार ने लिए हैं, कांग्रेस की बहुत, कांग्रेस राजस्थान में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति सर, अभी तो आप कह रहे थे 6 महीने में सरकार को टाइम मिल रहा कुछ करने का, भी आप कह रहे हैं बहुत अच्छे डिसीजन सरकार की ओर से लिए गए हैं। हाँ तो 6 महीने के डिसीजन तो लिए ही है ना सरकार, चुनाव हारेगी तो क्या सचिन पायलट को अध्यक्ष बना देंगे क्या? मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास के साथ 24 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, पंकज जी आपका शुक्रिया, वरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आज मंडावा और खींवसर में उपचुनाव संपन्न हो गए हैं और जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। हालांकि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2018 में दोनों ही सीटों पर, उससे तकरीबन 3-4% वोटिंग इस बार कम हुई है, लेकिन अब 24 तारीख को नतीजे तय करेंगे कि आखिर जनता ने किसको चुना है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान, नमस्कार।